ये देखिए इस टाइप से करियर फेयर होता है, यहाँ पर कंपनी होती है, वो आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, अपना रिज्यूम आप यहाँ पर उनको देना होता है। वेलकम टू माई न्यू वीडियो। अभी मैं चाय पी रही हूँ और अभी बजे है सुबह के 8:30। ये मैं कप रख रही हूँ और आपको टाइम दिखाती हूँ। देखिए 8:27 हो गए हैं, तो मैं नहा धो के रेडी तो हो गई हूँ, चाय पीती हूँ, देखती हूँ अभी टिफिन का क्या करना है आज के लिए। आज कंटिन्यू लेक्चर है तो लेक्चर भी अटेंड करने हैं, एक क्विज भी है और एक्स्ट्रा का एक आज क्या है करियर फेयर भी है, तो वो भी अटेंड करना है। तो देखते हैं अब सब कुछ कैसे होता है क्या होता है। तो बस एग्ज़ाम अच्छी जानी चाहिए आज की। पैक पैक हो गई है, जैकेट पहनती हूँ और निकलती हूँ कॉलेज के लिए। बाहर आई हूँ, लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। फिर सबसे पहले तो जाना है करियर फेयर में, उसके बाद एग्ज़ाम है, मिड टर्म एग्ज़ाम। आ गई हूँ कॉलेज, अभी कॉलेज में लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। अभी कंप्यूटर लैब से प्रिंट आउट निकाल लिए है, बस अभी करियर फेयर के लिए जाती हूँ। प्रिंट आउट निकालना तो हो गया है, अभी यहाँ पर बैठी हूँ। देखिए बाहर इतना अच्छे से दिख रहा है ये बाहर का नज़ारा। तो अभी मैं थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ एग्ज़ाम के लिए, बस देखना है कि क्या क्या इक्वेशन जो है मुझे अभी तक देखे नहीं है, तो वो देखना है। अभी जा रही हूँ दूसरे बिल्डिंग में जहाँ पर करियर फेयर है, वहाँ पर सोचा था कि थोड़ा बहुत पढ़ लूंगी, पर पढ़ना तो हुआ ही नहीं। बुलस्टिंग सेंटर हमें अभी जाना है। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट चेक इन है कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस के लिए। ये देखिए इस टाइप से करियर फेयर होता है, यहाँ पर कंपनी होती है, वो आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, अपना रिज्यूम आप यहाँ पर उनको देना होता है। तो मेरा करियर फेयर अटेंड करके हो गया, देखिए ऐसा मिला था मेरे नाम का, और मैं मास्टर्स कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में। ये दिखा था ये कार्ड में, यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आते हैं, वो अपने अपने से अपने सीवी के रिगार्डिंग, रिज्यूम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, कुछ कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, फिर उनको हमें रिज्यूम देना होता है। ऐसे नॉर्मली यहाँ पर होता है करियर फेयर। आज मैंने पहली बार अटेंड किया, मुझे अच्छा लगा, नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अभी मेरा मिड टर्म है तो जाती हूँ अभी क्लास के लिए। वैसे मिड टर्म तो हाफ एन आवर बाद है, पर अभी से क्लास के लिए चली जाती हूँ। अभी यहाँ पर जा रहे हैं, ये है बॉकमैन हॉल, यहाँ पर 4th फ्लोर पे मेरी एग्ज़ाम है। पेपर तो हो गया है, अभी टेंशन ख़त्म हो गया, मुझे बहुत टेंशन था और पेपर तो ठीक ठाक गया, अच्छा ही गया, पर थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन में डाउट है। तो देखते अभी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कैसा था पेपर। अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए जा रही हूँ। सेकेंड लेक्चर हो गया है, कुछ खास समझ में तो नहीं आया आज भी लेक्चर में। और अभी कल मैंने मोमोज बनाए थे पहली बार, तो बस वो मोमोज टिफिन में लाए हैं और सुबह सुबह टाइम ही नहीं मिला मुझे टिफिन बनाने का, तो कल के ही मोमोज लेके आ गई, टिफिन खा लिया और असाइनमेंट भी बना लिया। तो असाइनमेंट को अभी प्रिंट आउट करना है। पहले तो मैं हाथ से असाइनमेंट लिखती थी, दो ऑप्शन थे, एक तो प्रिंट आउट निकालो या फिर हैंड रिटन। तो अभी इतना टाइम नहीं है हैंड रिटन का, तो इसलिए अभी प्रिंट आउट ही निकाल रही हूँ। तो बस प्रिंट आउट निकालती हूँ और 20 मिनट में, एग्जैक्ट 20 मिनट बाद मेरा लेक्चर है, ये वीक का लास्ट लेक्चर। तो अभी थोड़ा रिलीफ लग रहा है, आज मिड टर्म हुआ तो अभी वो लास्ट लेक्चर करने के बाद और अच्छा लगेगा। प्रिंट आउट निकाल ली है असाइनमेंट की, अभी लेक्चर के लिए जा रही हूँ। मैंने बताया था ना कि ये लास्ट लेक्चर दूसरे बिल्डिंग में होता है, तो बाहर से जाना पड़ता है। अभी क्विज और ये क्या असाइनमेंट के मार्क्स मिले हैं पेपर, और यहाँ पर देखिए लोग कलेक्ट कर रहे हैं पेपर अपने।
हो गया है इस वीक का लास्ट लेक्चर, अभी जा रही हूँ मार्शल। ये है क्लीवलैंड का कैंपस, क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी का कैंपस। यहाँ पर है, ये है स्टूडेंट सेंटर, वहाँ पर वर्कमैन हॉल जहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर होते हैं, और ये है बॉम्बे चार्ट। आज करियर फेयर यहाँ पर हुआ था। देखिए कलर आसमान में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए अमेरिका में ऐसे लेन होते हैं, तो चार लेन है जो कि राइट साइड वाली जो है वहाँ से एग्जिट लेते हैं और वो दूसरे रास्ते से कनेक्ट हो जाती है, और ये तीन लेन है। तो अभी हम सबसे फास्ट वाली लेन में हैं, तो जैसे जैसे राइट साइड में जाएंगे वैसे वैसे स्पीड स्लो होती जाएंगी। आ गई हूँ मैं मार्शल, ये रही यहाँ की पार्किंग। परफ्यूम के बॉटल देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं। अभी वॉलमार्ट आई हूँ, यहाँ से जिंजर लिया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना है तो गार्लिक है, जिंजर नहीं है तो बस वो यहाँ पर लिया। अभी वॉलमार्ट के पास आ ही गई थी तो, और अभी जाती हूँ घर। अभी मेल रूम में आई थी मेल चेक करने। आ गई हूँ मैं घर, और आज मैंने जो असाइनमेंट की थी वो सबमिट ही नहीं करनी है, नेक्स्ट वीक सबमिट करनी है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा कि आज ही सबमिट करनी है, तो मैंने फटाफट कर भी लिया वो असाइनमेंट। अभी मुझे ना चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, तो अभी चाय रख देती हूँ और साथ में फ्रेश हो जाती हूँ। बन गई है चाय। मैं फ्रेश हो गई, चाय भी बनाई है, तो अभी चाय पीती हूँ, बस थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर डिनर बना के डिनर करना है। आज मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई है अन्नपूर्णा स्टोर से, तो बस वो आते ही होंगे, मेरे पास कैश नहीं है, वो उनको कैश ही देनी पड़ती है, कि उनसे जाके कैश निकाल के लेके आती हूँ। तो अभी ATM से कैश निकालने आई हूँ। जो भी ग्रॉसरीज मंगवाई थी वो तो मैंने ला ली, अभी डिनर करती हूँ। आज के डिनर में देखिए क्या है, दाल चावल और ये अचार, मिर्ची का अचार। तो डिनर हो गया है, बर्तन धो के रख दिए, और अभी थोड़ी देर बाहर वॉक करती हूँ, घर वालों से बात कर रही हूँ, और बस वीडियो एडिट करके सो जाऊंगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। टिफिन खा लिया और असाइनमेंट भी बना लिया, तो असाइनमेंट तो बन गया है। मुझे ठंड लग रही है, प्रिंट आउट निकाल दी। इंडियंस नहीं।